तेरा भी बर्थडे है और मेरा भी बर्थडे है और आज हम दोनों विदाउट यूनिफॉर्म में हैं। यार मैंने एक लड़की को देखा, मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। यार आज उस लड़की को आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ। बॉयज, व्हाट आर यू टॉकिंग? सॉरी मैडम। इट्स ओके। मैडम को क्या पता प्यार क्या चीज होती है। मैडम की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। कहाँ जा रहे हो? मैडम मैसेज खत्म हो गई। लव की बातें कर रहे हो? आज तुम लोगों को एक लव स्टोरी सुनाती हूँ। लव स्टोरी? हाँ लव स्टोरी, एक अलग टाइप की लव स्टोरी। ये कहानी है अक्षय और अक्षरा की। कल से ना टाइम पे चलते हैं। हाँ भाई, ठीक है, क्योंकि अगर हम लेट जाते हैं यार मैनेजर बहुत डांट मारता है। आर यू ओके? आप ठीक हो क्या? या आई एम फाइन, थैंक यू। आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं। आप अगर कहो तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं? जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। भाई वो तो चली गई, अब हम भी चले। हाँ चलो आ जा। भाई अब कहाँ सुनेगा तू मेरी? तू एक बात बता, तूने उस अंधी लड़की में क्या देखा? ना वो तुम्हें देख सकती है और ना तुम्हें पहचान सकती है। देख भाई, ये दिल है ना, उस पर आ गया। और भाई आ गया तो आ गया, देख। और भाई दिल को थोड़ी ना पता है वो अंधी है। भाई आ गया तो आ गया। देख भाई वो लड़की आ गई। आप वही हो ना जिसने कल मेरी हेल्प की थी? आपको कैसे पता? मैंने तो कोई आवाज भी नहीं की। आपके परफ्यूम से, आपने कल भी यही परफ्यूम लगाया हुआ था। मुझे तो याद नहीं। अच्छा ये बताइए, आप हर रोज आते होगे यहाँ पे? हाँ मैं रोज आती हूँ। ओके, तो हाय मेरा नाम अक्षय है। मेरा नाम अक्षरा है। अरे हाथ तो मिलाओ। अच्छा ये बताइए, आप अकेले आते हो कि कोई साथ में आता है? OMG. क्या हुआ? मुझे लगता है बहुत लेट हो गया, मुझे चलना चाहिए। कहो तो आपको छोड़ दूं। और कल? आ गए आप? उफ, कैसे पता लगा लेते हो कि मैं आ गया? ये जो आप इतना परफ्यूम लगा के आते हो ना, अगर आप बस स्टैंड पे भी कहीं इतनी भीड़ में खड़े रहोगे ना, मैं तो भी आपको पहचान लूंगी। अच्छा ये बताओ, आप कोई काम धाम भी करते हो या ऐसे ही रोज रात चलती लड़कियों की मदद करते हो? हेलो मैडम, कोई मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। ऑफ कोर्स काम करता हूँ मैं। बताइए क्या काम करते हैं? आई एम सिंगर, मैं सिंगर हूँ। अच्छा जी, तो गाकर सुनाओ कुछ। अब यहाँ? हाँ क्यों, यहाँ नहीं गा सकते? स्टेज पे गाते हो क्या? गा सकता हूँ। गा के सुनाओ कुछ। ओके, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। अरे हंस क्यों रहे हो? अबे बता हंस क्यों रहे हो? कॉपी किया हो ना पक्का?
या फिर हो सकता है तुम्हारा आज गला खराब है। पता बात एक्चुअली में क्या थी, मुझे जुखाम लगा हुआ था तो मैंने ठंडा पानी पी लिया तो गला बैठ गया। कल मैं ना गर्म पानी पी के आऊंगा और तब मेरा गला खड़ा हो जाएगा, तब फिर मैं आपको अच्छा सा गाना सुना के दिखाऊंगा। तुम झूठे हो। अरे तुम म्यूजिशियन हो सकते हो तो मैं सिंगर क्यों नहीं हो सकता? मैं म्यूजिशियन मेरे हालातों की वजह से। मतलब मेरा बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का, पर शायद भगवान को यही मंजूर था। थोड़ा सा दिमाग था म्यूजिक में तो इस वजह से मैं म्यूजिक टीचर बन गई। वैसे तुम्हारा क्या इरादा है सिंगर बनने का? हेलो, ज्यादा हंसो मत वरना गोलगप्पे नहीं खिलाऊंगा तुम्हें। वैसे भी मुझे गोलगप्पे पसंद नहीं। क्यों, लड़कियों को तो बहुत पसंद है गोलगप्पे। पहली बार देख रहा हूँ जिसे गोलगप्पे पसंद नहीं है। अच्छा, तुमने कभी देखा है किसी अंधी लड़की को गोलगप्पे पे प्लेट लेके खड़े हुए? क्यों, कोई अंधी लड़की क्या गोलगप्पे नहीं खा सकती क्या? पहले कभी देखा है क्या गोलगप्पे की रेडी पे प्लेट लेके खड़े हुए अंधी लड़की को? मैं गोलगप्पे खाऊंगी या ये संभालूंगी। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने बहुत दिनों के बाद गोलगप्पे खाए। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह हूँ। अरे आप नॉर्मल ही तो। एक नॉर्मल लड़की इसके सहारे चलती है क्या? तो फेंक दो इस छड़ी को और पकड़ लो मेरा हाथ। 24 घंटे तक पकड़ के रखोगे क्या? 24 जन्मों तक पकड़ के रखूंगा। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, आपने कुछ सुना क्या? कभी कहते हो कुछ कहना है, कभी कहते हो नहीं कहना है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? पहले ये बताओ कि आपकी आंखों के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, मुझे जानना है आपके साथ हुआ क्या है। मैं और मेरी मम्मा बाजार से सामान खरीद के रोड क्रॉस कर रहे थे और एक गाड़ी आई। मैं तुम्हें क्या बताती, उस हादसे में मेरी मम्मा चली गई और अब मैं मेरी सिस्टर के साथ रहती हूँ। अब तो मेरा घर भी आ गया। वैसे तुम कुछ बताने वाले थे, बताओ ना क्या बताने वाले थे? आज नहीं, मैं कल बताऊंगा। कल? हाँ। ओके, चलो मैं अब चलती हूँ, बाय। सुनो। हाँ। कुछ नहीं। क्या हुआ भाई, कोई बुरा सपना देखा क्या? भाई बहुत बड़ी गलती। क्या गलती होगी भाई? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाई, बताओ क्या गलती हो गई भाई, मुझे बता क्या कर दिया ऐसा? भाई जो अक्षरा के साथ हुआ ना, वो बहुत गलत हुआ भाई। भाई क्या गलती हुई है, कुछ बताएगा मुझे? भाई हम जम्मू से घूम के आ रहे थे, याद है ना तेरे को? हाँ। तो रस्ते में एक लड़की और एक औरत हमारी गाड़ी से टकरा गई थी। हाँ भाई टकराया था, पर हमने किसी को बताया तो नहीं था ना भाई? वो कोई और नहीं बल्कि अक्षरा उसकी मम्मी थी। हमने उसकी जिंदगी में इतना अंधेरा लेके आया और उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। भाई मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगा, मेरा फोन कहाँ है? तू उसे कुछ नहीं बताएगा, तू उसे प्यार करता है ना? अपनी जान से भी ज्यादा भाई। तू उसे कुछ नहीं बताएगा। पर क्यों भाई? वो तेरे साथ इतनी खुश रहती है और तू उसे ये सब बताकर फिर से दुखी करेगा क्या? अगर तू उसे सच्चा प्यार करता है तो उसे कुछ नहीं बताएगा। अब तू सो जा और कल उससे अच्छी ही बातें करना, ठीक है? से। देख भाई आज तू उसे बता दे कि तू उसे कितना प्यार करता है। और वो सब? वो सब भूल जा और उसकी जिंदगी में एक नई रोल लेकर आ और उसे इतना प्यार कर कि वो बीती हुई बातों को भूल जाए। देख भाई उसके साथ जो भी हुआ माना कि गलत हुआ,
पर हम उस हादसे को बदल तो नहीं सकते और उसके सामने ऐसे मुंह लटकाकर मत जाना, हंसकर जाना और आज उसे बोलकर ही आना है, नहीं तो तेरी मेरी दोस्ती। ठीक है भाई, आज उसे बोलता हूँ। वो देख आ गई तेरी जानू। मुझे मालूम है कि मैं स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाता हूँ, अगर दूर बस स्टैंड पे होगा ना मुझे पहचान लोगे क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाता हूँ ना। अक्षय मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, पर कैसे? मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। हाँ क्या अक्षरा, कहाँ मजाक करो, आज कोई मिला नहीं क्या मजाक करने को? चलो मैं सच बोल रही हूँ अक्षय। अच्छा मैं ही नजर आ रहा हूँ कि ये भी नजर आ रहा है? मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे रहे हो, बाकी सब वैसा ही है। वैसे क्या नजर आ रहा मुझ में? तुम्हारे से खून निकल रहा है। नहीं, नहीं 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 तो मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ इसीलिए ये सब हो रहा है। छोड़ो, वैसे तुम कल क्या बताने वाले थे? पहले ये बताइए कि तुम कभी हॉस्पिटल नहीं गए क्या अपनी आँखें दिखाने के लिए? गई हूँ ना एक बार। फिर क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला ठीक हो सकती है ना। हाँ। फिर आप ठीक क्यों नहीं करवाते? फिर आपको इसके सारे नहीं चलना पड़ेगा ना। अरे बाबा 8 लाख रुपए लगेंगे। फिर तुमने अपनी आंखें ठीक क्यों नहीं करवाई? तुम्हारे कानों में कुछ गुस्सा है क्या? 8 लाख रुपए, बाप रे कहाँ से आएंगे इतने पैसे? मैं लेकर आऊंगा। तुम कहाँ से लेकर आओगे इतने पैसे? तुम्हारे पास अली बाबा की गुफा है क्या जो खुल जा सिम सिम बोलते हैं? ऐसा ही समझो, मेरा एक यहाँ से दोस्त है। अच्छा, जो एक बिजनेसमैन है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। मैं कराऊंगा तुम्हारी आंखें ठीक, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और पूरे होते हुए देखोगे इन्हीं आंखों से। वैसे तुम कुछ बताने वाले थे? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी आंखें ठीक हो जाने के बाद, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर। पता नहीं जो भी हो, व्हाटएवर, बट यू आर हैंडसम। थैंक यू, अब मेरी तारीफ करना बंद करो और कल सुबह 9 बजे तुम्हारी सिस्टर के साथ मिलना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अक्षरा मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी आंखें ठीक कराऊंगा और इन्हीं आंखों से तुम इस दुनिया को देखोगे। मैं तो अभी भी दुनिया देख रही हूँ, तुम हो ना मुझे दुनिया दिखाने के लिए मेरे हैंडसम सिंगर। ऐसे भी सपने वही देखने चाहिए जो पूरे हो सके। मैडम जब कोई अपना सपना दिखाता है ना तो उसे पूरा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब मुझे घर चलना चाहिए, मेरा घर भी आ गया। ओके तो कल सुबह 9 बजे आप अपनी सिस्टर के साथ आंखों वाले हॉस्पिटल में आना, याद रखना। ठीक ठीक बाय। डॉक्टर साहब, डॉक्टर यार उठना, यार उठना, देख तुझे उठना पड़ेगा यार, अक्षरा के लिए उठना पड़ेगा भाई, उठ यार।
हे भगवान, मुझे सिर्फ एक बार जिंदा कर दीजिए। मैंने किसी से वादा किया, बस सिर्फ उस वादे को पूरा करने दीजिए। यार उठना यार, उसे यार देख अक्षरा के लिए, उन्हें वादा पूरा करना है अक्षरा का। डॉक्टर साहब, मैंने किसी से वादा किया है, वो पूरा करना है। क्या तुम्हें लगता है वो आएगा? हाँ दीदी, उसने मुझे बोला था वो जरूर आएगा। तुमने कैसे किसी एक अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया? आज के जमाने में कोई भरोसे के लायक है जो किसी का मुफ्त में इलाज करवाता है? दीदी आप सही बोल रहे हैं, मैंने उसके मजाक को सच समझ लिया। मेरे नसीब में अंधेरा ही लिखा है। कोई बात नहीं दीदी। तुम में से अक्षरा कौन है? जी आज तो आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। दीदी मैंने बोला था ना, जरूर अक्षय ने करवाया होगा। आप यहाँ पर बैठिए, आप मेरे साथ आइए। अक्षरा जी ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, अभी आप देख सकते हो और आपकी पट्टी हटा दी जाएगी। आप धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलो और आप तेज रोशनी की तरफ एकदम से मत देखना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा जैसे मैं सपना देख रही हूँ। ये सब अक्षय की वजह से हुआ है, मैं अक्षय की वजह से देख पाऊंगी। दीदी दीदी डॉक्टर, मुझे अक्षय को देखना है। दीदी अक्षय कहाँ है? आ जाएगा वो। दीदी मैं सबसे पहले अक्षय को देखना चाहती हूँ। अक्षय वहीं रुक जाना। ये अक्षय नहीं है, मैं अक्षय को महसूस कर सकती हूँ। दीदी अक्षय नहीं है ये, कहाँ है अक्षय? ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना ही मैं उसे प्रपोज करने के लिए बोलता और ना ही उसका एक्सीडेंट होता। दीदी आपने तो देखा होगा अक्षय को, कहाँ है अक्षय? डॉक्टर साहब आप तो जानते होंगे ना उसे, ये रोए क्यों जा रहा है? कहाँ है अक्षय? आपने तो काम किया होगा ना उसके साथ, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? आप चिंता मत करो, वो आ जाएगा, आप रो मत प्लीज। अपनी आंखों से तुम्हें दुनिया दिखाकर वो हम सबको छोड़कर चला गया। अक्षरा जी आंखें अक्षय की है और उनकी आखिरी इच्छा थी कि आप पूरी दुनिया देखो उनकी आंखों से। प्लीज संभालो अपने आप को और इन आंखों को उनकी आखिरी अमानत समझकर इनका ध्यान रखो। इसलिए मुझे वहां से दिखाई दे रहा था। उस लड़की का क्या हुआ? उस लड़की को तो आंखें मिल गई पर उसको आंखें देने वाला चला गया। मैं जानती हूँ अक्षय, तुम आज भी मेरे आसपास हो।